लोगों को लगता है कि वो एक वकील है, डॉक्टर है और पुलिस इंस्पेक्टर भी। अरे नहीं नहीं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं तो राजा बाबू की बात कर रहा हूँ। राजा बाबू चल गया कोई जादू। जी हाँ, आज का यह बेहद ही रोचक एपिसोड आपको 90s में लेकर जाने वाला है, जहाँ आप जानेंगे उस दौर के मशहूर कॉमेडी फिल्म राजा बाबू से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, राजा बाबू साल 1994 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के चौथे स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था 2,30,00,000 रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 8,23,00,000 रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को सुपरहिट घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म हम आपके हैं कौन, जिसने 72,46,00,000 रुपए कमाए और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म मोहरा, जिसने 12,00,00,000 रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म क्रांतिवीर, जिसने 9,25,00,000 रुपए कमाए और यह भी ब्लॉकबस्टर रही। फैक्ट नंबर 2, शक्ति कपूर इस फिल्म में गोविंदा के साथ ताल से ताल मिलाकर कॉमेडी करते नजर आए थे। जो भी होगा उसका होगा, जूते पड़ेंगे उसको पड़ेंगे, समझते नहीं है आप? आपने अभी अभी शक्ति कपूर के ये जो डायलॉग सुने हैं, दरअसल इसे फिल्म के डायलॉग राइटर ने नहीं बल्कि गोविंदा ने क्रिएट किए थे। है ना ये कमाल का फैक्ट। ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स आपको आगे भी मिलने वाले हैं, इसलिए हमारी हौसला अफजाई के लिए इसे लाइक करना ना भूलें। फैक्ट नंबर 3, फिल्म में गोविंदा की नायिका बनी कपूर खानदान की लाडली करिश्मा कपूर। फिल्म राजा बाबू साल 1994 में करिश्मा कपूर और गोविंदा की बैक टू बैक रिलीज्ड 4 बेहतरीन फिल्मों में से पहली फिल्म रही। बाकी के 3 फिल्में थीं दुलारा, खुद्दार और प्रेम शक्ति। अब कुछ लोग गूगल बाबा में सर्च करके यहाँ यह भी कह सकते हैं कि इसी साल आई अंदाज अपना अपना में भी गोविंदा और करिश्मा कपूर ने काम किया था। उन बंधुओं को बताता चलूं कि अंदाज अपना अपना में गोविंदा जी ने एक छोटी सी मेहमान भूमिका निभाई थी, जिसमें उनकी जोड़ीदार बनी थी जूही चावला। फैक्ट नंबर 4, बात जूही चावला की निकल ही आई है तो आपको बता दूं कि फिल्म राजा बाबू करिश्मा कपूर से पहले जूही चावला को ही ऑफर की गई थी, लेकिन कहानी पसंद ना आने के चलते उन्होंने इसे मना कर दिया था। फैक्ट नंबर 5, इस फिल्म के गीत सरकाई लो खटिया के डांस स्टेप्स और फिल्मांकन उन दिनों खासा विवाद में रहा था। कुछ लोगों ने इसे पिछले ही साल आई खलनायक फिल्म के गीत से तुलना करते हुए एक वल्गर गीत भी कहा था। इस बाबत गोविंदा कहते हैं कि उन्हें इस गीत को करके बाद में बेहद ही पछतावा हुआ। उन्हें लगा कि यह एक ऐसा गीत है जिसे लोग परिवार के साथ बैठकर देखते हुए असहज महसूस करेंगे। फैक्ट नंबर 6, फिल्म राजा बाबू साल 1992 में आई के भाग्यराज की तमिल फिल्म रासु कुट्टी की रिमेक थी। आगे चलकर साल 1997 में इसी फिल्म को अब्बाई गरी पेल्ली नाम से तेलुगु और साल 1999 में पटेला नाम से कन्नड़ में भी रिमेक किया गया था। बताता चलूं कि अब्बाई गरी पेल्ली में गोविंदा वाली भूमिका अभिनेता सुमन ने निभाई थी, जिन्हें आपने रजनीकांत साहब की फिल्म शिवाजी द बॉस और अक्षय कुमार की फिल्म गब्बर इज बैक में मुख्य खलनायक के तौर पर भी देखा होगा। फैक्ट नंबर 7, विशुद्ध रूप से एक कॉमेडियन के तौर पर शक्ति कपूर की यह पहली फिल्म रही और इसी रोल के चलते उन्हें आगे भी कॉमेडी रोल्स मिलने शुरू हो गए। इस फिल्म में उनके शानदार अभिनय के लिए उन्हें बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड भी हासिल हुआ था, जो कि अब तक के उनके फिल्मी कैरियर का एकमात्र फिल्म फेयर अवार्ड है। फैक्ट नंबर 8, कुछ फिल्मी वेबसाइट इस बात को बड़ी प्रमुखता से कहते हैं कि फिल्म में प्रेम चोपड़ा के बेटे की भूमिका निभाने वाले समीर खाकर की उम्र उनकी ही जितनी है, परंतु यह बात पूर्णतः असत्य है। दरअसल प्रेम चोपड़ा का जन्मदिन 23 सितंबर 1935 है, जबकि समीर खाकर का जन्मदिन 9 अगस्त 1952 है। इस लिहाज से दोनों की उम्र में 17 साल का फासला है। फैक्ट नंबर 9, इस फिल्म के गीतकार समीर अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि फिल्म के गीत सरकाई लो खटिया को दरअसल उन्होंने आनंद बख्शी साहब के गीत चोली के पीछे क्या है से प्रभावित होकर लिखा था। अपने इस गीत पर हुए बवाल को लेकर समीर कहते हैं कि वास्तव में इसके मुखड़े में आने वाले बोल एक फोक सॉन्ग से प्रेरित है, अतः इसको लेकर इतना बवाल मचाना कहीं से भी सही नहीं है। फैक्ट नंबर 10, बात करें सरकाई लो खटिया गीत के धुन की तो आगे चलकर इसे साल 1998 में आई आदित्य पंचोली, रजत बेदी और किरण कुमार स्टारर फिल्म जंजीर द चेन के एक गीत डोंट टच माय घघरिया रंगरसिया में आंशिक तौर से प्रयोग किया गया था।
तो ये थी गोविंदा की मशहूर फिल्म राजा बाबू से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।